नमस्कार, न्यूज नेटवर्क इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे यानी अनुष्का के साथ एनएन न्यूज क्राइम। सनसनीखेज खबर झारखंड के चतरा जिले से है। यहाँ के नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के हिंदिया कला गांव में पुलिस मुखबिरी के आरोप में पिता और पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। उग्रवादियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले पिता पुत्र की हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। पुलिस के साथ देने के एवज में पंकज और उसके पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए चतरा से डॉक्टर फहीम अहमद की रिपोर्ट। क्या किया था कि गोले गोले उन्होंने टेक लिया था, पहले 10 को उसके पास लगा दिया, 10 को उसके घर में लगा दिया, इस माने से ताकि लोगों का हिम्मत घटे। और बंधु करीबन जितने भी लोग आए थे सभी लोग वर्दी पहने थे, कुछ दो चार लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे और सबके पास हथियार था। और उन्होंने मेरा भाई को घर का आंगन में ही 2 फायर दम मेरा यहाँ पर गर्दन में मारा, जिसमें मेरा भाई पूरी तरह से ये हो गया, घायल हो गया। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो मेरा भाई को टांगी से पकड़ करके कपार में छेंचा, पूरा इधर भी छेंच दिया, इधर भी छेंच दिया, सारी तरह भी। उसके बाद मेरा बाबू जी घर में ही बैठा था लेकिन उसको भी घींच करके, और लास्ट में जब हम नहीं मिले, पहले पंकज को मारने के बाद हमको खोज रहा था कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो मेरा पत्नी को पूछने गया, तो उससे पहले मेरा पत्नी निकल गई थी यहाँ से, तो मेरी बहन को पूछा गया कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो मेरी बहन बोल दी कि भैया घर में नहीं है, लेकिन कहाँ हमको पता नहीं है। तो उसके बाद नहीं मिलने पर बाबू जी को घर तक घिसट के निकाला, निकालने के बाद वो ईटा को पकड़ कर करके और उन्होंने कुछ कुछ के सर को कूचा। इस मामले की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर सुरक्षा बलों के साथ पुलिस टीम पहुंची। घटना में संलिप्त नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए SP विकास कुमार पांडे की देखरेख में थाना प्रभारी नीतीश कुमार की टीम सक्रिय हो गई है। इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अपडेट खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज नेटवर्क इंडिया। धन्यवाद।